Hello friends, welcome to MS Maths. In this video, we are going to discuss about the most important derivation of a magnetic field. हम यहाँ पे बात करेंगे magnetic field की. हमें यहाँ पे जो value find करनी है, इसके center पे जो circular current carrying coil है, इसके center O पे हमको magnetic field find करना है. तो in this derivation, let us consider the current carrying circular coil of R radius. हम यहाँ पे जो है R radius की current carrying circular coil ले रहे हैं. तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इन डेरिवेशन, या फिर यहां पे लिख लेते हैं, मैं पूरा लिख लेता हूं. लेट कंसीडर द सर्कुलर द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल जो है वो हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं. करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल ऑफ आर रेडियस. आर रेडियस की हम यहाँ पे करंट कैरिंग सर्कुलर जो कॉयल है उसे कंसीडर कर रहे हैं. और द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ, तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. देन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ कॉयल के सेंटर ओ पे हमको जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है. तो उसके लिए हम यहाँ पे बायोसावर्ट जो फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे. बीएसएफ जो फॉर्मूला है उसका, वो जो है बायोसावर्ट फॉर्मूला में यहाँ पे यूज कर लेते हैं. देन डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये होता है इसके इक्वल, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और ये हो जाएगा डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, 4 pi r² के इक्वल होता है. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बायोसावर्ट लॉ. हमें यहाँ से जो है अलग अलग जो हमारे पास में एलिमेंट्स है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं सबसे पहले कि dl जो है वो तो dl के इक्वल ही हमने यहाँ पे, क्योंकि जो स्मॉल पार्ट हमने लिया वो dl ही है. देन यहाँ से हम फाइंड करते हैं कि जो रेडियस है r वो किसके इक्वल है, कैपिटल R के इक्वल है. एंड साइन थीटा की अगर मैं वैल्यू फाइंड करता हूँ तो वो क्या होगी, 1 होगी, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगल जो है बिटवीन dl एंड b वेक्टर, एंगल बिटवीन डी एल एंड बी वेक्टर या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में, इसको थोड़ा अच्छे से यहाँ पे लिखते हैं. तो ये हो जाएगा एंगल बिटवीन लाइन जो एलिमेंट है हमारा डी एल एंड बी, क्योंकि बी जो है वो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर है, यानी कि वो ट्रांसवर्स है जो कि ऊपर की ओर है. यहाँ पे जो है इनके बीच का जो यहाँ पे एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा. देन अब हम बात करते हैं यहां से कि डीबी जो होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा. तो हम यहां से डीबी की वैल्यू फाइंड करते हैं. तो डीबी इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा हमारे पास में डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 pi को हम अलग लिख लेते हैं, आई भी आ जाएगा अलग, डीएल भी अलग लिख लेते हैं. हमको यहाँ पे ओनली साइन थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है, साइन 91 होता है, तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे साइन 90 इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये हो जाएगा आर स्क्वायर. ओके, ये हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर. देन अब हम क्या करते हैं कि जो इंटीग्रेशन कर लेंगे, ये तो किसके लिए, ओनली स्मॉल जो हमारा पार्टिकल है डीएल के लिए है. अब हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, और यहाँ से हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 pi कॉन्स्टेंट है आ जाएगा, ये भी कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, आर स्क्वायर वो भी कांस्टेंट हो जाएगा. इसी टाइप से हम यहां से लिख लेते हैं डीएल. अब डीएल जो है वो हमको कहां से कहां तक फाइंड करना है वो यहां पे लिख लेते हैं कि डीएल का मतलब क्या है. डीएल जो है वो डीएल जो हमारा लाइन एलिमेंट. अब लाइन एलिमेंट का यहाँ पे मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन एलिमेंट. तो लाइन एलिमेंट क्या है, उस सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट तो है. यहाँ से देखो ये जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कुलर कॉयल है, इस सर्कुलर कॉयल का यहाँ से एक पार्ट ही तो है. यहाँ से आप वापस देख सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ से अगर बनाऊं तो ये हो जाएगा हमारा जो सर्किल है उसका क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर कॉयल का क्या हो जाएगा, यहाँ से एक पार्ट ही तो है. अगर मैं ऐसे ऐसे इनफाइनाइट पार्ट अगर इसमें से इनको सबको ऐड कर देता हूं तो क्या बनेगा, हमारा एक सर्कल की संख्या जो सर्कमफ्रेंस है वही तो बनेगी. तो इसी टाइप से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर द, यहां से हम ये लिख सकते हैं कि जो ये हमारे पास में जो डीएल है, अगर हम सबका इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, उनको सबको ऐड करना. तो व्हेन वी विल ऐड द ऑल द लाइन एलिमेंट्स, सो वी कैन राइट हियर, इधर मैं लिख सकता हूँ बी, एंड ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 pi, और ये हो जाएगा आई अपॉन आर स्क्वायर, और डीएल जो होगा वो कैपिटल 2 pi r के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 pi कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा. ऐसा क्यों है, क्योंकि सर्कमफ्रेंस जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 pi r. देन यहाँ से एक r से एक r कट हो जाएगा, 4 से 4 कट हो गया, एंड पाई से पाई यहाँ पे हम कट कर देंगे, पाई से पाई भी कट हो जाएगा. देन वी कैन राइट हेयर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन, ये हो जाएगा
आएगा म्यू नॉट आई अपॉन ये हो गया 2R। अब हम बात करते हैं उसके n राउंड है, उसपे एक राउंड है, फिर हम बात करें इस पे सेकंड राउंड, ऐसे करते करते उसपे n राउंड की हमारे पास में कोई कॉइल है, तो n राउंड की कॉइल के लिए क्या करते हैं हम इसपे जो है n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर n राउंड कॉइल, हमारे पास में एक n राउंड की कॉइल है, उसके लिए मैं यहाँ पे इसके लिए बी अगर बी की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हो जाएगी बी इज इक्वल टू एन म्यू नॉट आई अपॉन 2R। तो यहाँ से हम कुछ कंडीशंस अगर देखें कि जो B जो है वो N के प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर आप जितने जो उसमें कॉइल में जितने ज्यादा राउंड होंगे उतना उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, जितना उसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। ठीक है, अब जितनी ज्यादा अगर आप बड़ी कॉइल लोगे यानी कि उसकी रेडियस को अगर आप ज्यादा लोगे उस टाइम पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। ओके, ये इस कंडीशन पे कुछ डिपेंड करता है। सो आई होप आपको ये छोटा सा डेरिवेशन समझ में आया होगा, जिनमें हमने बहुत ही छोटे एक एप्लीकेशंस की बात की, ये भी एक आता है एप्लीकेशंस ऑफ बायो सावर्ट्स फॉर्मूला। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप वाचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।